कोरोना वायरस का खौफ इस समय पूरी दुनिया में है और इससे बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक, खुद को लॉकडाउन करके रखें और अगर बाहर निकलते हैं तो हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें या फिर हाथ धोते रहें। और इसी वजह से जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो हर समय सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहते हैं। पर क्या आपको पता है, जिस सैनिटाइजर को आप कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही सैनिटाइजर आपकी जान ले सकता है। जी हाँ, जिस सैनिटाइजर को इस्तेमाल करके आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको कोरोना से बचाएगा, वही सैनिटाइजर आपकी एक गलती की वजह से जान ले सकता है आपकी। दरअसल इस समय मार्केट में अल्कोहल वाले सैनिटाइजर मिल रहे हैं जिसका इस्तेमाल लोग अपने आप को कोरोना से दूर रखने के लिए कर रहे हैं और इसी वजह से कई लोग खाना खाने से पहले अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगा लेते हैं और फिर उन्हीं हाथों से खाना खाने लगते हैं, जो कि काफ़ी जानलेवा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे लीवर और किडनी को नुकसान होता है, क्योंकि जब आप सैनिटाइजर लगे हुए हाथों से खाना खाते हैं तो वो सैनिटाइजर हमारी बॉडी के अच्छे वायरस को भी खत्म कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैनिटाइजर में क्लोरहेक्सीडिन मौजूद होता है जो हमारे लीवर के वायरस को भी मार देता है। इसी के साथ डॉक्टर का कहना है कि सैनिटाइजर के ज़्यादा इस्तेमाल से सैनिटाइजर त्वचा की सतह से खून तक पहुंचकर मांसपेशियों और स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेश सिंह ने बताया कि सेंटर सैनिटाइजर के अधिक इस्तेमाल से लीवर, किडनी, फेफड़े पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है जो वायरस को नहीं मार पाती। सैनिटाइजर में 60-70% तक अल्कोहल होता है जो साधारण वायरस को तो नष्ट कर देता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग कई बार सैनिटाइजर लगाने के बाद उन्हीं हाथों से खा लेते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद अच्छे वायरस को खत्म कर देता है। इसकी वजह यह है कि इसमें क्लोरहेक्सीडिन होता है जो हमारे हाथों में मौजूद अच्छे वायरस को भी मार देता है। बहरहाल कोरोना काल में बिना सैनिटाइजर के बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं है, इसलिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें, कहीं आप कोरोना वायरस से बचने के चक्कर में कोई बड़ी बीमारी मोल ना ले लें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की खबरों से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।